अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस व्लॉग में एक बार फिर कबड्डी के दूसरे मैच के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस वक्त हम ग्राउंड के बिल्कुल ऊपर खड़े हैं और ड्रोन को भेज रहे हैं हम ग्राउंड में, तो मैच भी देखिए और इन्जॉय भी करें और साथ में नज़ारे भी देखते रहें, तो बातें भी हम वहां पर करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं ग्राउंड में। जी दोस्तों, इस वक्त ग्राउंड में ड्रोन जो है वो आ चुका है और देखें कि प्लेयर्स जो हैं वो इस वक्त फुल मुकाबले के लिए तैयार हैं, अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। दोस्तों आज का व्लॉग जो है ये इसमें कोई कटिंग नहीं की जाएगी, एज इट इज़ जैसी रिकॉर्डिंग हो रही है वैसी के वैसे। जी, ये मुझे इशारा किया जा रहा है कि इनकी वीडियो भी बनाएं, तो जनाब मैंने ड्रोन का रुख मोड़ लिया है कमेंटेटर की तरफ। कमेंटेटर साहब बैठे हैं, ये ट्रॉफीज पड़ी हैं, ये दायरे के बाहर अभी आवाम आ रही है और कुछ आ चुके हैं, तो इन्हें भी हम दिखाते हैं। और इसके साथ फिर मैच तकरीबन वार्म अप होने के लिए प्लेयर्स रेडी हैं, बल्कि हो चुके हैं, अपनी अपनी प्लेसेस पर आ चुके हैं दोनों टीमें। याद रखिए कि आज का मैच फाइनल मैच है और आज के मैच में जो है वो एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है, तो हार जीत जो है ये मुकद्दर है और हार जीत में एक टीम ने हारना और एक ने जीतना होता है लाजमी। तो अगर हार या जीत में से कुछ एक चीज मिले तो उसे दिल के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, और अगर जीत जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हार जाए तो उसे अपना तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों नीचे बहुत शोर है, इस वक्त कमेंट्री जारी है लाउड स्पीकर में, तो मैं तो इस वक्त बैठा हूँ काफी ऊंचाई पर, लिहाजा मैं आपसे यहाँ पर जो भी तबसरा होगा वो मैं करता जाऊंगा। टीमें इस वक्त जी पहुंच चुकी हैं, बिल्कुल रेडी हैं, दूसरी तरफ से प्लेयर आया चाहता है, तो अभी आप देखेंगे कि स्क्रीन पर जो है वो प्लेयर नमूदार हो जाएंगे। रेफरी भी आ चुके हैं और ये प्लेयर आ चुके हैं इस वक्त, और एक रिवायती खेल की तरह खेल शुरू किया जा चुका है। हाथ लगा चुके हैं और हाथ लगाने के बाद ये लाइन क्रॉस कर गए, लिहाजा पॉइंट मिल चुका है हमारी इस टीम को। और दूसरी साइड से भी इस वक्त जो है वो प्लेयर तैयार हैं जो कि अभी लाइन क्रॉस करके वो वहां पहुंच चुके हैं और टच कर चुके हैं साथ में, और कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइन को क्रॉस कर जाएं, और लाइन को क्रॉस कर दिया। लिहाजा मुकाबला बहुत टफ होने जा रहा है क्योंकि प्लेयर्स इस वक्त सोच कर आए हैं कि आज जीतना है और जीत ही उनका मुकद्दर है। तो यकीनन जैसे कि पहले आपको बताया गया कि हार या जीत किसी एक टीम का होना है, लिहाजा और बहुत अच्छी गेम इस वक्त जारी है जबरदस्त, लेकिन रेफरी ने इसे रोका और एक बार फिर दूसरी तरफ चलते हैं, और दूसरी तरफ भी इशारा मिल चुका है, प्लेयर जा चुके हैं इस वक्त, आगे बढ़ रहे हैं और प्लेयर्स पीछे हट रहे हैं ताकि घेरे में डाला जा सके, प्लेयर को भागने ना दिया जाए, लेकिन हाथ लगा दिया और झपट पड़े, और ये जबरदस्त किस्म की इन्होंने की है, झटका लगाया और अपने आप को छुड़वा कर ये गए वो गए। तो बहुत जबरदस्त मुकाबला इस वक्त जारी है, नीचे बहुत ज्यादा शोर है, लाउड स्पीकर से कमेंट्री जारी है, लेकिन यहाँ पर आपको लाउड स्पीकर से नहीं सुनवाया जा रहा क्योंकि इससे फिर आपकी वीडियो में बदनज़मी पैदा हो सकती है। प्लेयर इस वक्त जा चुके हैं अपने मुखालफिन के ग्रोह में और टच कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की, बहुत अच्छी कोशिश, धक्का दिया और लाइन को क्रॉस करने की पूरी कोशिश, लेकिन दूसरे प्लेयर ने उसे जकड़ लिया है। फिलहाल ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये छुड़वाकर बाहर जा सकें, कोशिश जारी है, झटके लगा रहे हैं ताकि छूट जाएं, लेकिन रेफरी ने इशारा कर दिया और मिला पॉइंट, एक पॉइंट टीम को।
दोस्तों फाइनल कबड्डी का ये फाइनल मैच इस वक्त आप देख रहे हैं, जबकि पिछले दो मैच भी आपको दिखाए गए हैं, एक वार्म अप मैच और एक दूसरा मैच दिखाया गया था। तो मुखालिफ टीम मुखालिफ साइड से इस वक्त बंदा जा चुका है प्लेयर और क्रॉस कर चुके हैं हाथ लगा के, बहुत ही आसानी के साथ पॉइंट हासिल किया उन्होंने। तो बहुत ज़बरदस्त खेल जारी है और यकीन माने पाकिस्तान का ज़बरदस्त किस्म का ये जो है कौमी खेल है, ये आज पता लगा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त होता है, क्रिकेट और हॉकी से किसी भी तरीके से ये कम नहीं। एक और पॉइंट मिला, बहुत ज़बरदस्त कोशिश, दोनों टीमों की कोशिश जारी है, बहुत ज़बरदस्त इस वक्त आपको व्यूज़ दिखाए जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप इंजॉय कर सकें और करीब के नज़ारे देख सकें। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अच्छे अच्छे व्लॉग्स जो कि ड्रोन व्लॉग्स से आपको दिखाए जाते हैं, इनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस व्लॉग्स आपको बर वक्त मिल सकें। मुखालिफ टीम से आ चुके हैं इस वक्त हाथ लगाने के लिए और हमलावर हुए, पीछे चार खिलाड़ी पीछे पीछे होते जा रहे हैं ताकि वो ज़्यादा टाइम ले सकें और ये पकड़ लिया, लेकिन बिल्कुल हाथ लगाकर ये गए और वो गए, बहुत अच्छी कोशिश, लेकिन मुखालिफ टीम से आने वाले प्लेयर ने हाथ ना लगाने दिया और बगैर पकड़े वो लाइन क्रॉस कर चुके हैं। बहुत अच्छी गेम इस वक्त जारी है, बहुत प्यारे व्यूज इस वक्त आपको दिखाए जा रहे हैं और ये एक और ज़बरदस्त मुकाबला जारी है, जकड़ चुके हैं दोनों प्लेयर्स, एक छुड़वाने की कोशिश कर रहा है और लेकिन इस वक्त पॉइंट मिल चुका है, अंपायर का फैसला यहाँ पर हतमी होता है, तमाम के तमाम प्लेयर्स ने ओबे करना होता है। एक बार फिर यहाँ से मुखालिफ टीम की तरफ आ चुके हैं प्लेयर, आपको कोशिश की जाएगी आपको न्यूज़ करीब से दिखाए जाएँ और ये जबरदस्त किस्म की इस वक्त गेंद जारी है दोस्तों, देख सकते हैं आप, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारी स्ट्राइक की और लेकिन मुखालिफ टीम से आने वाले प्लेयर को मौका ना मिला। बहुत अच्छी गेम जारी है इस वक्त, बहुत जबरदस्त किस्म के व्यूज आप देख रहे हैं, बहुत जबरदस्त गेम इस वक्त आपको देखने को मिल रही है जी पॉइंट चैनल से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप पर। प्लेयर्स इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और अंपायर के साथ कुछ डिस्कस किया जा रहा है जिसका हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं, लेकिन उम्मीद है कि मैच शुरू कर दिया जाएगा। और एक बार फिर हमलावर हुए मुखालिफ टीम से आने वाले प्लेयर और यकीनन ये अब हमला करेंगे और दूसरी तरफ से भी बड़ी फुर्ती के साथ पीछे हटे और ज़बरदस्त किस्म की झपट मारी और काबू कर लिया, लेकिन मुखालिफ टीम से आने वाले ने अपने आप को बहुत ही आसानी से छुड़वा लिया। बहुत ज़बरदस्त गेम इस वक्त आपने देखी, बहुत प्यारे जो हैं वो आप ट्रिक्स देख रहे हैं कबड्डी के। मुकाबला इस वक्त जारी है, प्लेयर जो हैं वो झपट चुके हैं और छुड़वा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लेकिन इस वक्त लगता नहीं है और ये अंपायर का फैसला के पॉइंट मिल गया, लिहाजा बहुत आसानी के साथ पॉइंट हासिल करते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवाना। एक बार फिर मुखालिफ टीम से दूसरी टीम की तरफ जाने वाले प्लेयर अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं और हाथ लगाने की कोशिश और उसी वक्त शिकंजे में डाल लिया। बहुत सख्त मुकाबला जारी है, मट्टी उड़ रही है, जोर लगाया जा रहा है लेकिन और बहुत ज़बरदस्त कोशिश और ये घसीटते हुए प्लेयर को बॉर्डर लाइन पर ले जाया जा रहा है और ये फाइनल बिल्कुल टच होने वाला है और अंपायर का फैसला हो चुका है जीत और एक पॉइंट मिल गया टीम को। एक बार फिर हमलावर हुए दूसरी साइड पर प्लेयर, टीम पीछे हटते हुए ताकि घेरा डाला जा सके और बहुत जबरदस्त ट्राई की और प्लेयर को उठा लिया और प्लेयर को ऐसा शिकंजा दिया कि उसे हिलने नहीं दिया जा रहा। बहुत जबरदस्त हमला इस वक्त दोनों प्लेयर्स में कश्मकश जारी है, देखते हैं क्या बनता है, लेकिन बहुत जबरदस्त गेम कर रहे हैं।
जबरदस्त इन्होंने फाइट किया। तो इस वक्त एक बार फिर जो है वो ताज़ा दम हो चुके हैं, प्लेयर्स चलते हैं और देखते हैं कि अब क्या बनता है। प्लेयर पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पर, हमलावर होने के लिए तैयार और प्लेयर्स भी पीछे हट रहे हैं। हमला हो चुका है और पकड़ लिया एक दूसरे को और बहुत आसानी के साथ चित किया और यूं एक पॉइंट और लेकर चलते बने। बहुत ज़बरदस्त गेम जारी है। ओ नो, कोई मसला हो चुका है शायद इस वक्त और इस वक्त सारे प्लेयर्स इकट्ठे हो रहे हैं नीचे, तो कोई इशू हो चुका है शायद। लड़ाई जारी है, लड़ाई हो चुकी है एक दूसरे पर, धक्कम पेल जारी हो चुका है। दोस्तों हम ड्रोन को करते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं मुकम्मल कवरेज कि ये क्या हो चुका है और इसकी असल हकायक क्या है। जी जी जी, ये हकायक कुछ यूं बात बताई जा रही है साथ में कि जी, तो ये लड़ाई क्यों हुई है, कैसे हुई है जी, इसका अभी आपको इसकी पूरी डिटेल बताते हैं। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं नीचे रब्ता कर रहा हूँ जी। तो ये कहा जा रहा है जी, अच्छा जी, ये बताया जा रहा है दोस्तों कि एक प्लेयर पर एतराज कर दिया है मुखालिफ टीम ने कि इस बंदे को नहीं खिलाना आपने और वो बंदा खेल रहा है, जबकि दूसरी टीम जो है वो क्लेम कर रही है कि ये पहले ही तय था, वो इसी इलाके का ही बंदा है। लेट्स सी कि क्या होता है। बहरहाल आपको तमाम मनाजिर दिखाए जा रहे हैं, काफी धक्कम पेल और मुक्के चले हैं। बहरहाल लड़ाई को ख़त्म होना चाहिए और बड़े पुरअमन तरीके से मैच को मुकम्मल होना चाहिए, लेकिन इस वक्त लगता है कि बात बढ़ती जा रही है। वो सामने क्राउड बढ़ चुका है, इस वक्त धक्कम पेल जारी है जी। तो इतलात ये है कि इस वक्त कमेटी ने फैसला किया है कि वो मजीद मैच नहीं खेलेगी और जो ट्रॉफीज हैं वो वापस खुद लेकर जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा और आपने इंजॉय भी किया होगा। तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि इस जो आज के मैच में जो कसूर बनता है वो किसका है या किसकी साइड से ज्यादती हुई है। मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर बताइएगा। इस वक्त व्लॉग है आखिरी मराहिल में, तो आपको आपका मूड ठीक करने के लिए थोड़े से मनाजिर आपको दिखाते हैं, ग्राउंड के इर्द गिर्द का माहौल आपको दिखाया जा रहा है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और मेरे साथ आज मामनत कर रहे थे मोहम्मद बिलाल, तो मोहम्मद बिलाल का बहुत शुक्रिया जो कि इस वक्त नीचे कवरेज कर रहे हैं और मुझे इत्तला दे रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।